नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय अगर बात करें तो एक बार फिर से कोविड को लेकर लोग दहशत में आ चुके हैं, यानी कि ओमिक्रॉन जो है उसे लगातार डिटेक्ट किया जा रहा है और वो तेज़ी से ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में केसेस जो हैं इस समय ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा है, और इसमें हैरानगी की बात तो ये है कि कुछ लोग जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो लोग उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग नहीं गए हैं। तो हैरानगी की बात ये है इंटरनेशनल से इंडिया में ये ओमिक्रॉन कैसे आ गया। अगर कल रात की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने खबर भी सुनी होगी कि अब जम्मू में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और एक नहीं बल्कि तीन तीन लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस चीज़ को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और लोगों से जो है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपना ध्यान रखिए और जितने नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है उन्हें अच्छे तरीके से पालन करिए। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ, अब सेंटर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है और इस समय अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो सेंटर ने घोषित कर दी है। इस चीज़ को लेकर सूत्रों की माने तो आने वाले थर्सडे को हमारे प्रधानमंत्री COVID-19 को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। अब सेंटर ने स्टेट्स और यूटीज में ये वार्न कर दिया है कि जितने भी गैदरिंग्स हो रही हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाए, उन सभी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए और गैदरिंग्स को कम से कम किया जाए। और अगर कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं वेडिंग्स हैं, फंक्शन है, किसी की फ्यूनरल है, उसमें सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही जाने के लिए अनुमति दी जाए। ऐसे फैसले लेने के लिए सेंटर ने अब स्टेट्स को और यूटीज को कह दिया गया है, और इतना तक कह दिया गया है कि अगर आपको पॉसिबल लगता है और नीडेड लगता है तो वहाँ पर कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया जाए। हालांकि अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोविड कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और उन जगहों में लगभग लॉकडाउन लग ही चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रही हूँ इस चीज़ को लेकर कि सेंटर ने आज सुबह ही एक बार फिर से स्टेट्स और यूटीज को ये वापस से COVID-19 की जितनी गाइडलाइंस हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए बोला है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने को बोला है, और इतना तक बोल दिया गया है अगर ज़रूरी होता है तो उन जगहों पर लॉकडाउन भी लगेगा जहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और कल जो है उस शाम से हर कोई दहशत में है कि ओमिक्रॉन के तीन केसेस अब जम्मू में डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें जो है वो तीनों ही जम्मू के हैं, जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि जम्मू से हैं। और इनके रिपोर्ट्स जो है वो दिल्ली गई थी, सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, लेकिन दिल्ली से सैंपल्स के टेस्टिंग होते, वेरिएंट की पुष्टि होते 20 से 25 दिन लग गए हैं। पिछले महीने यानी 30 नवंबर के आसपास जो है वो इनके टेस्टिंग रिपोर्ट को दिल्ली भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर टेस्टिंग होते कुछ प्रशासन से गलतियाँ हुई, चूक हुई कि इस चीज़ को लेकर एक लंबा समय डाल दिया, जिस वजह से ये कल पुष्टि हुई है कि तीन लोगों में जो है वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है और जो तीनों हैं वो जम्मू के रहने वाले हैं। इस चीज़ को देखते हुए और माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो लेटेस्ट घोषित किए गए हैं वो त्रिकुटा नगर, रूपनगर, संजय नगर, इन जगहों पर कोविड कंटेनमेंट जोन्स भी बना दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो है वो RT-PCR टेस्ट के लिए जितने भी लोग एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक भी जा रहे हैं या एक जगह से कहीं और जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी को जो है वो RT-PCR टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया गया है। इवन दो कई लोगों ने जो है वो एक डोज लगाई है, उन्होंने अभी अपनी सेकेंड डोज भी कंप्लीट नहीं की है, तो उन लोगों को भी वार्न कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो है अपनी सेकेंड डोज भी लगवा लें, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करूँ तो ये कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज़्यादा जल्दी जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है, जिसकी चीज़ को लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गई है। सेंटर की ओर से जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ ये सेंटर की ओर से आई है कि स्टेट और यूटीज को अब वार्न कर दिया गया है और अब जम्मू में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और उनके इस सैम्पलिंग को जो है वो काफ़ी लंबा समय लग गया है। प्लस ये लोग जो है इनमें लक्षण सिम्टम्स जो है वो नहीं देखे जा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। इस चीज़ को देखते हुए अब जिन जिन लोगों से इनका कॉन्टैक्ट हुआ है उन सभी के टेस्ट किए जाएंगे ताकि ये पता लग पाए कि इनसे ये वेरिएंट किसी थर्ड पर्सन को ना चला गया हो, कोई जिनसे ये मिले हैं उन सभी की हिस्ट्री अभी खंगाली जा रही है, उन सभी के टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि 20-25 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई पॉजिटिव है और उसे कोई सिम्टम्स भी नहीं है और वो कितने लोगों से मिल रहा है और कितने कनेक्शंस जो हैं
ये आगे फैलेंगे, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि 2 साल से हम लगभग इस COVID-19 की महामारी से मैक्सिमम वाकिफ हो चुके हैं। और लोगों से यही अपील रहेगी कि गैदरिंग्स को अवॉइड करें, मास्क पहने, जो पब्लिक में आप जाते हैं तो वहाँ पर अपना सैनिटाइजर ज़रूर अपने पास रखें और उसको बार बार जो है इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े। क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, उस चीज़ को लेकर हम एक एक स्टेप जो है वो फिर से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं, कर्फ्यू की ओर जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई भी ये चीज़ नहीं चाहता है कि वो इस समय जो है वो लॉकडाउन की ओर जाए या कर्फ्यू किसी भी एरियाज में लगाया जाए। हालांकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में जो है वो कर्फ्यू लगा ही हुआ है, लेकिन ऑन द होल जो है वो कोई भी नहीं चाहेगा। इस चीज़ को लेकर आप लोग ज़रूर एहतियात बरतिए, जितने भी आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, गाइडलाइंस दी जाती है, उनको ज़रूरी जो है वो फॉलो कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।